अरे बंधुवर, चीन से निकली हुई यह कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली है और इससे पूरे विश्व के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और अब तो ये हमारे भारत में भी बहुत तेजी से फैल रही है। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है, इस महामारी से हमारे देश को कब छुटकारा मिलेगा, प्रभु इससे कब छुटकारा दिलाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोरोना से आए दिन रोज केस बढ़ते जा रहे हैं, शुरू में 500 थे, आज 3000 पर पहुंच गए हैं। हमें सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंस बना के रखें, इससे तभी बचा जा सकता है। आइए प्रसाद लीजिए, आजकल दूरी बनाए रखो, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, इसकी कोई इसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी। इसकी दवाई यही है बस, तो हम लोग आपस में दूर रहें, सोशल डिस्टेंस 3 फुट का, और 3 फुट से कम न हो, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। हमारे जो मोदी जी का संदेश है सोशल डिस्टेंस, ठीक है ना, उसको बनाए रखो और जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उसका पालन करो। नियम यही है, दूरी बनाए रखो, दूर रहेंगे बीमारी दूर हो जाएगी। इस बीमारी कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है, हमें सभी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार चौधरी जी, नमस्कार, कहाँ जा रहे हैं? अरे स्वामी जी, आपको पता ही है कि चारों तरफ कोरोना वायरस ने पूरा माहौल खराब कर रखा है, देश में बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है और गांव के लोग जो है बदमाशी कर रहे हैं, उनको थोड़ा ठीक करने जा रहे हैं। चलिए चलिए, बिल्कुल करिए, करना ही चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए, क्या करें क्या न करें जो है। गांव का माहौल तो साफ करना ही पड़ेगा ना, जब हम लोग ही सही नहीं होंगे तो कैसे होगा, देश तो गलत दिशा में जाएगा। अच्छा बाबा जी। अच्छा नमस्कार। अरे तुम लोग एक साथ यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा है, हम लोग पत्ते खेल रहे हैं, छुट्टी का आनंद ले रहे हैं और क्या करेंगे बैठ के। ये छुट्टियाँ तुम्हें मौज मस्ती के लिए नहीं दी गई हैं, ये छुट्टियाँ तुम्हें अपने अपने घर में बैठने के लिए दी गई हैं, वो भी इस महामारी से बचने के लिए। ये काम सरकार का है, हमारा नहीं। अरे जो सरकार का काम है वो तो कर ही रही है, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, अपने घरों में रहो और दूरी बनाकर रहो। अरे चौधरी साहब, सब कुछ छोड़ो, हमारे साथ पत्ते खेलो और मजा करो। कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, अभी तक दुनिया के पास इसका कोई इलाज नहीं है, ये बहुत तेजी से फैलता है, आज सारी दुनिया इस महामारी से लड़ रही है और तुम यहाँ पत्ते खेल रहे हो, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है इन सब लोगों की? गंगाराम तुम तो समझदार हो। चौधरी साहब फिर हम क्या करें, अपने यारों दोस्तों में बैठ के मजे ले रहे हैं, घर में बैठ के हम कैद नहीं हो सकते, सरकार का काम है सरकार करेगी, हम क्या करें इसमें। अरे मूर्ख, मिलोगे तब ना जब जिंदा बचोगे, तुम आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हो, ये कोरोना किसी का दोस्त नहीं है, समझे? एक तो ये साले पत्ते अच्छे नहीं आ रहे, दूसरा थारी बकबक सुन सुन के पक रहा हूँ, और जो तुम कह रहे चौधरी साहब वो बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। तेरी समझ में बात आती कहाँ है पप्पू, अरे सरकार जो है सारे देश को सजग कर रही है और तू यहाँ पे पत्ते खेल रहा है, अपने घर में बैठो। और क्या करें चौधरी साहब, पत्ते ना खेलने तो अपने घरों में बैठो, बच्चों में बैठो, अलग अलग रहो। चौधरी साहब कौन पालन कर रहा है, आपने निजामुद्दीन की घटना देखी है, हम ही मूर्ख बनाने को रह गए। तो एक बेवकूफी कर रहा है तो तुम भी बेवकूफी करोगे क्या? अरे सरकार कौन सा चुप बैठ गई है, वो भी जो लोग हैं पकड़े जाएंगे और सजा भी होगी। चौधरी साहब पहले उन लोगों को रोको, बाद में आके हमें समझाना। अरे तुम बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, हमारे देश में जितना खतरनाक वायरस है उसको हम सब मिलकर ही हटा सकते हैं। तो चौधरी साहब कुछ तो बताइए, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? इसका एक ही उपाय है, इसकी चैन को तोड़ो। चौधरी साहब अब आप ही बताएं, इस चैन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसमें यही तरीका है,
कि आप सब लोग अपने अपने घरों में जाओ और अलग अलग रहो, थोड़ी दूरी बनाकर रहो। वो देखो अनवर किस ओर जा रहा है, उसे भी तो रोको चौधरी साहब। अरे अनवर भाई जरा इधर तो आओ। अरे नहीं नहीं वहां नहीं आऊंगा, जानते नहीं हो कोरोना फैला हुआ है। तुमने सही कहा अनवर, लेकिन तुम घर से निकले क्यों? वो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मस्जिद में। एक तरफ तो कहते हो पास नहीं आऊंगा, कोरोना फैला हुआ है, और दूसरी तरफ मस्जिद जा रहे हो, वो भी नमाज पढ़ने के लिए। ये क्या बात हुई? नमाज पढ़ना हमारे लिए जरूरी है ना। अरे तो घर में ही पढ़ सकते हो। घर में तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है? क्या मस्जिद में कोरोना नहीं आएगा? क्या वहाँ मुसलमानों को छोड़ देगा? हमारे लिए अल्लाह है ना, और वैसे भी अगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी ना तो अल्लाह नाराज हो जाएगा हमसे। ये किसने कहा तुमसे? मौलाना ने? अरे ये कोरोना वायरस धर्म निरपेक्ष है, ये सबसे बराबर प्रेम करता है। तुम मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ मक्का और मदीना है ना, आज वहाँ भी कर्फ्यू लगा हुआ है, तो क्या वहाँ के मुसलमान मुसलमान नहीं है? या उनसे भी अल्लाह नाराज हो जाएगा, ये सोचा है कभी तुमने? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जब मक्का मदीना जैसी पाक जगह में कर्फ्यू लग सकता है तो क्या कुछ दिन के लिए हम मस्जिद जाना बंद नहीं कर सकते? वैसे भी तो हमारे सारे मंदिर बंद हैं दर्शनों के लिए। अब अल्लाह तुमसे नहीं नाराज होगा, उस मौलाना से जरूर नाराज होगा जिसने तुम्हें झूठ बोला है अनवर। यानी कि मौलाना ने हमसे झूठ बोला है कि अल्लाह नाराज हो जाएगा हमसे। तो आज हम सब लोग मिलकर ये वादा करते हैं कि कोरोना को हराएंगे, देश को बचाएंगे, साथ ही मिलकर सरकार के नियमों का पालन करेंगे। हेलो गुरुजी। हेलो, मैं स्वामी शरदपुरी बोल रहा हूँ जगजीतपुर से। जी गुरुजी। मेरी बस्ती में कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, उनको समझाने के लिए चौधरी जी गए हुए हैं। मुझे शंका है कि वहाँ पर कोई झगड़ा ना हो जाए, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप भी तुरंत वहाँ पहुँची। हाँ गुरुजी मैं पहुँच रहा हूँ। गुरुजी चौधरी जी स्थिति संभली की नहीं अभी? गुरुजी प्रणाम। ये सब समझा दिया इन्हें कि अपने अपने घरों में रहें और डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, दूर बैठें, एक दूसरे को टच न करें। आप सभी को लॉकडाउन का पालन करना है, सरकार के दिशा निर्देशों को अमल में लाइए, ये एक रामबाण है जो हमें कोरोना से बचा सकता है। घर में रहिए और डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जनपद हरिद्वार में समस्त लोगों से अपील है और अनुरोध है, कोरोना का जो रोकथाम के लिए हम सभी मिलकर के संयुक्त प्रयासों से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आप सभी का भूमिका बहुत ज़रूरी है। आप सभी अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी जो है स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है पूरा जितना भी गाइडलाइंस आपको बताया है और जितना एडवाइजरीज जारी किया है उसका पूर्ण पालन करें। आप अपने घर में रहें और जो भी गाइडलाइंस आपको बताया है उसका पूर्ण पालन करके हम सभी को जो है मदद करें और ये कोविड का जो चैलेंज है हम सभी मिलकर के इसको 100% रोकथाम करने में सफल होने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ।